आप सबके साथ। और आज मैं दिखाऊंगी क्या, आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कलेक्शन ऑफ माय साड़ीज। तो बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज लाइव में बिल्कुल फुर्सत से आया जाए, तो इसीलिए मैं आई हूँ आज फुर्सत में। तो चलिए वेलकम है मेरा लाइव में आप सबका। कैसे हो आप सब लोग ये ज़रूर बताइएगा मेरे को। और देखिए ये मैंने आपको दिखाया था मेरा गिफ्ट, अच्छा लग रहा ना। हाय, तो ये बहुत ही सुंदर गिफ्ट है जो मुझे मिला है कि मतलब एनिवर्सरी से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है मैंने पिछले उसमें लाइव्स में भी बताया था, पिछले ब्लॉग्स में भी बताया था कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 11 फेब की, और उसी वजह से मुझे मिलने लगे हैं गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स की शुरुआत हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं श्योरली श्योरली। और नेक्स्ट गिफ्ट जो स्टार्ट हुआ है आज 5 फेब है, तो जो नेक्स्ट वाला अब तो वैसे भी ना गर्मियां आ चुकी हैं, और ये वाली जो मेरी साड़ी है ये है सारी की सारी एप्पल वर्क में, आप देख रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने ये कॉम्बो लिया है रेड कलर की ब्लाउज के साथ। तो ये मेरी साड़ी बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, और ये मुझे दी थी मेरी दीदी ने गिफ्ट में। मुझे ज़्यादातर साड़ियाँ गिफ्ट में मिलती हैं, क्योंकि आप सबने देखा है मेरी फैमिली काफ़ी है। हाय, यस, और मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, और मुझे गिफ्ट में साड़ीज वगैरह मिलती रहती हैं, और मुझे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम फाइन एंड यू भाविन ठक्कर जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। एंड संगीता आयरस जी, हेलो, कैसे हो आप? तो आज वेदर चेंज था तो मैंने सोचा क्यों ना लुक में आया जाए, कि मतलब प्रॉपर लुक के साथ, और अच्छा लगे कि मतलब हम एक साड़ी का इतना सुंदर सा गेटअप कर रहे हैं। हैंकी टेक विलोज साड़ी है। पूजा जी विश, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉर्म विशेस जो आप इतने तहे दिल से मुझे देते हैं, और उसी वजह से मैं आज शायद यहाँ आ चुकी हूँ। और होप सो अगर आप जैसे सब्सक्राइबर रहे, वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी लो मैम, वीडियो क्वालिटी क्लीन कैमरा नहीं है या वॉइस क्लियर नहीं है बताइए। देखिए अब बताइए बेटर देन, माइक वगैरह क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, क्या है क्वालिटी प्रॉब्लम? साड़ी पल्लू टक फर्स्ट एंड देन हैंकी टक, तो बस उसी से रिलेटेड जैसे कि वीडियोस वगैरह मैं डालती रहती हूँ। और ये है मेरी प्यारी सुंदर सी साड़ी। पूजा जी वन रिक्वेस्ट पर जींस वेस्टर्न आउटफिट, श्योर श्योर श्योर, नेक्स्ट टाइम पक्का। तो मैं दिखाने वाली थी आज मुझे जो नेक्स्ट गिफ्ट मिला मेरी एनिवर्सरी का वो क्या था। चलो ले चलती हूँ आपको, मैंने वीडियो में भी डाला, नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा जरूर। और वो गिफ्ट क्या है वो भी मैं अच्छा दिखाती, पहले बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। हे भगवान, मैंने एंट्री करी है, रिमोट गिर दिया नालायक, हद है भाई गॉड। तो ये अपने टीवी में है यहाँ पे, और ये मेरा कलेक्शन ऑफ द कोट आप देख सकते हैं। और आगे की एक बोरा वो अपना टीवी का है, सबका अलग अलग। चलिए हम कर रहे हैं लाइव कंटिन्यू, तो हम चलेंगे अपनी लाइव को कंटिन्यू करने के लिए अपने प्रोसेस वर्क पे। और आजकल आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा
मेकअप वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था इंट्रेस्टेबल कि मतलब हमारे यहाँ पर एक इंसिडेंट हो चुका है, मतलब ताई जी वगैरह एक्सपायर हो गई है। वैसे तो काफी बुजुर्ग थी, बट भूजी जी प्लीज। और ये है मेरा गिफ्ट, और कैसा लगा? टेन टेन है। तो ये मेरा अभी दूसरा गिफ्ट है जो मुझे मिल चुका है। फेब की स्टार्टिंग होती है और उसकी 4 से 5 तारीख से मेरे गिफ्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट गिफ्ट ये है जो मेरे को सुनील जी ने दिया है। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज ट्वाइस गिफ्ट जो आप देख सकते हैं, मैचिंग मैचिंग हो रहा मेरे उससे ड्रेस से, और दिखाऊंगी आपको वेयरिंग करके। और ये ब्लैक कलर की जींस के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए कैसा लगा मेरा गिफ्ट, आप सबको भी बताइएगा जरूर। आई लव दिस ब्लेजर जो मुझे मिला है। ऑफिशियल सा भी हो गया और ओपन पार्टी वेयर का, जैसे मैं कुछ डालूंगी तो उससे रिलेटेड भी हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है। और मैं ऑब्वियस इसे नेक्स्ट टाइम जो भी डालूंगी वो आपको जरूर दिखाऊंगी, जैसे कि हर टाइम मेरी वॉचिंग द वीडियोस होती हैं तो आपको देखने के लिए श्योरली श्योरली मिलेगी। इसके साथ मैं डालूंगी ब्लैक कलर की जींस, ब्लैक कलर का टी शर्ट या टॉप या जो भी डालूंगी। की टक इन साड़ी, यस भाविन ठेकर जी, की टक नहीं है आज का, तो हैंकी टक है। और नेक्स्ट टाइम करूंगी की टक, क्योंकि की टक की वो उसकी हैंकी टक की 2 से 3 वीडियो जा चुकी हैं, बस उसी वजह से नेक्स्ट वीडियो प्लीज हैंकी टक विद पल्लू टक सेम टाइम। श्योर श्योर श्योर, नेक्स्ट टाइम पक्का। और चलिए अपनी दिखाती हूँ साड़ी का कलेक्शन, एक दो तो श्योरली श्योरली दिखाऊंगी। जब भी मैं इस साड़ी को पहनती हूँ ना, जैसे आपने देखा भी होगा, जब भी मैंने ये वाली साड़ी डाली ना, इस साड़ी पे बहुत सारे व्यूज आते हैं, पिंक कलर की साड़ी पे, क्योंकि इसमें यहाँ पर कांच वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और पिंक कलर मेरे पे ऑब्वियस अच्छा नहीं लगता है। ये है पिंक कलर की साड़ी और इसमें ये वाले पेच। जल्दी मिलूंगी अगर जिस दिन भी डालूंगी ये वाली साड़ी। इस वाली साड़ी में क्या होता है, कलर ना फेयर होता है और ज्यादा, ये देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरी साड़ी है वो कौन सी है मेरी, वो है ग्रीन वाली साड़ी। इसमें तो मैंने अभी रिसेंटली, मैं पता नहीं कहाँ गई थी, शायद अपनी नंद के यहाँ गई थी या जो भी है, पर मैंने अभी रिसेंटली डाली थी साड़ी। ये है मेरी सिल्क सिल्क साड़ी। और इसमें इस साड़ी के टाइप की जो साड़ी है ना मेरे पास दूसरी वाली, मैं सोच रही हूँ उसे कलकत्ता स्टाइल में डालूँ, थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा कि मतलब कुछ डिफरेंट डाला है काफ़ी दिनों से, मतलब जैसे कि डाली नहीं है मैंने। और कैसी लग रही है साड़ी जरूर बताइएगा मुझे। जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, हमेशा मैं श्योरली कोशिश करती हूँ कि अपना जो ये है साड़ी उसे कवर करके रखूं। और जैसे ही उसमें होती ना ग्रीन वाली, वैसे ही आपको देखो, जैसी उसमें वो थी ना पिंक, नहीं अभी ग्रीन देखी थी ना, ग्रीन का ये वाला कलर।
बहुत प्यारी साड़ी है वाली भी, जब भी मौका मिलेगा श्योरली दिखाऊंगी जरूर, कुछ न्यू स्टाइल में ड्रेपिंग करूंगी साड़ी की।